जितने भी सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, जो भी एंटिटीज हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए जो हमको माइक्रोस्कोप है, लाइट माइक्रोस्कोप हमारे लिए सफिशेंट है। लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप जो हम डिपार्टमेंट्स में अपने लैब्स में यूज करते हैं, आप सबने यूज किया होगा, उसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं। जैसे लाइट सोर्स है जिसको हम नीचे कंडेंसर से वो करते हैं, एडजस्ट करते हैं, और लाइट को हम इट पासेस थ्रू द स्टेज कैरिंग द स्पेसिमेन, और फिर वहां से ऑब्जेक्टिव लेंस से होता हुआ, आई लेंस से होता हुआ हमारी आईज तक वो जो रेज हैं वो स्ट्राइक जब करती है आईज को, तो हमको स्पेसिमेन दिखाई देता है। बट उसमें जो ड्रॉबैक है, जैसे एक ऑल्दो 3000 तक के 3000 मैग्निफिकेशन तक के हमको माइक्रोस्कोप्स अवेलेबल हैं, बट जनरली जो हम लैब्स में यूज करते हैं वो 1500 माइक्रो मैग्निफिकेशन, 1500 टाइम्स मैग्निफिकेशन के माइक्रोस्कोप्स हैं। बट जैसे जैसे उसमें मैग्निफिकेशन बढ़ता है, मैग्निफिकेशन मीन्स जैसे जैसे हम उसको उसको एनलार्ज करते जाते हैं, किसी भी स्पेसिमेन का साइज तो वही है, हम सिर्फ उसको लेंसेज की मदद से एनलार्ज कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम उसको एनलार्ज करते हैं उसमें जो वो है ब्लरनेस ना, इट बिकम्स द पिक्चर बिकम्स ब्लरी, वो बहुत ज्यादा शार्प जो उसके कंटूर्स होते हैं वो हमको दिखाई नहीं देते। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि हमको सभी एक ही प्लेन में दिखाई देते हैं, सबके सब हमको एक टू डायमेंशनल फिगर हमको दिखाई देता है। और तीसरा है कि हमें उसे किसी ना किसी स्टेन की मदद से उसको हाईलाइट करना होता है, विदाउट स्टेन हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत ज्यादा हमको डिफरेंस जो है वो नजर नहीं आएगा, बहुत सारी चीजें जो हमको नजर भी नहीं आएंगी। तो एक नॉर्मल सेल को अगर हमको आइडेंटिफाई करना है, ऑब्जर्व करना है, तो लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से हम एक रफ बाउंड्री उसकी जान सकते हैं, उसमें पाए जाने वाले जो ऑर्गनल्स हैं उसको हम जान सकते हैं, लेकिन उसके जो डिटेल्स हैं उसके लिए फिर हमको एडवांस्ड काइंड ऑफ माइक्रोस्कोपी की जरूरत पड़ती है। तो लाइट माइक्रोस्कोप से जो नेक्स्ट डेवलप हुआ वो था फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप, जहां पर हम डाई का इस्तेमाल नहीं करते थे, किसी स्टेन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसके अंदर हम इस तरह का एक अरेंजमेंट करते हैं कि जो ऐसे फ्लोरो पोर्स हैं, माने ऐसे ऐसे डाइज हैं जिनसे अगर हम उस स्पेसिमेन को स्टेन करते हैं, उस स्पेसिमेन को हम उस डाई से रंजित कर देते हैं, तो जो लाइट रेज हैं वो स्ट्राइक करने के बाद एक दूसरा कलर, मीन्स एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट हम उस पर फोकस करते हैं, और वो जो कलर है, वो जो डाई है, वो दूसरे कलर को एमिट करता है, और यही एमिशन हमें जब दिखाई देता है तो वो हमें जो वो स्पेसिमेन है वो कलर्ड दिखाई देता है। हमने उसको पर्टिकुलरली किसी स्टेन से कलर नहीं किया, हमने एक ऐसी वेवलेंथ की लाइट उसके ऊपर डाली, जब वो लाइट उस स्टेन के ऊपर, उस डाई के ऊपर पड़ी, तो डाई में होने वाले जो रिएक्शन है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन है, वो एक्साइटेशन से एक दूसरी वेवलेंथ जनरेट हुई, और उस वेवलेंथ ने जब हमारी आईज को स्ट्राइक किया, सपोज हम एक लोअर वेवलेंथ की लाइट, ब्लू कलर की लाइट को हम उस डाई के ऊपर डालते हैं, वो डाई जो है वो उस वेवलेंथ के कारण उसमें पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट में आप एक जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो उसे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अगर हम लो वेवलेंथ की बात कर रहे हैं तो उसमें हाई एनर्जी रही होगी, हाई एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब एक्साइटेड स्टेट से उसकी टेंडेंसी तो ग्राउंड स्टेट में रहने की है, जब वो ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा तो जो एनर्जी उसके पास थी वो एनर्जी वो एमिट कर देगा, वो जो एमिशन है एनर्जी का दैट इज नोन एज फ्लोरेसेंस, और वो एक दूसरी वेवलेंथ की लाइट को एमिट करेगा, जिस लाइट वेवलेंथ को उसने एब्जॉर्ब किया था, क्योंकि एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा एमिशन कम होगा, यानी जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी उससे कम एनर्जी वो एमिट करेगा। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, यानी उसने लोअर वेवलेंथ, हाई एनर्जी की वेव एब्जॉर्ब की थी जिसका वेवलेंथ लो था, अब एमिट करेगा लो एनर्जी तो उसका वेवलेंथ हाई होगा, और इस हाई वेवलेंथ
कि लाइट को जब ये एमिट कर रहा है तो हम बोलते हैं कि वो स्पेसिमेन जो है वो फ्लोरेस कर रहा है, इट फ्लोरेसेस द एमिटेड लाइट, और वही फ्लोरेसेंस हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर होता ये है कि हमें उसको स्टेन नहीं करना है, जो स्पेसिमेन हमने कट किया है, हमने सेक्शन लिया है जिसका, वी डोंट हैव टू स्टेन दैट पर्टिकुलर सेक्शन, हम सिर्फ लाइट के जो पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, और जो लाइट एमिट हो रही है जिसके कारण कि वो फ्लोरेस कर रहा है वो हमें विजिबल हो रही है इन द फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पेसिमेन। दिस इज नोन एज फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, दिस इज ऑल्सो नोन एज वाइड फील्ड फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। वाइड फील्ड इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी स्पेसिफिक। यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जो कंटूर्स हैं सेल के वो बहुत ज्यादा शार्प नहीं है, जो फीचर्स हैं वो बहुत ज्यादा शार्प नहीं है। तो फ्लोरेसेंस में इट वॉज अ स्टेप बेटर देन लाइट माइक्रोस्कोपी, बट स्टिल इट लैक्ड द शार्पनेस ऑफ द स्पेसिमेन क्वालिटी, और इसलिए वो बहुत ज्यादा हमको वहां पर भी जो फीचर्स हैं वो बहुत हमको दिखाई नहीं दिए। उसके बाद में जो फिर माइक्रोस्कोपी डेवलप हुई उसके बारे में हम आज जानने जा रहे हैं, जो है कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी। तो दिस कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी एक्चुअली इज एन एडवांसमेंट ऑफ द फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, इसको हम अपडेटेड वर्जन बोलते हैं फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी का, क्योंकि यहाँ पर जो लाइट वेवलेंथ्स को यूज करने का जो फिनोमेना है वो सेम है, यानी वी आर एमिटिंग अ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड द फ्लोरोफोर जिस भी डाई से हमने उसको स्टेन किया है वो उसको एक दूसरी वेवलेंथ में कन्वर्ट कर रहा है, बिकॉज पहले वो एक्साइट हुआ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में गया तो जो एनर्जी उसने एमिट की वो एमिटेड एनर्जी गिव्स अ सेकेंड टाइप ऑफ वेवलेंथ, अनदर सपोज ब्लू लाइट वॉज इंसिडेंट ऑन दैट स्पेसिमेन और आफ्टर फ्लोरेस इट बिकम्स ग्रीन, बिकॉज ब्लू इज अ लोअर वेवलेंथ, ग्रीन इज अ हायर वेवलेंथ। तो करीब करीब 488 पे हमको ब्लू लाइट मिलती है। और आवाज बहुत कम आ रही है, आवाज कम है सर, बहुत कम है मैडम, सुनाई नहीं पड़ रही आवाज। ओके एक मिनट सर, मैं फिर तो ये थोड़ा सा स्टॉप करती हूँ शेयरिंग और मैं देखती हूँ कि मेरे एंड से क्या हो सकता है। सर अभी आवाज ठीक हुई, सर अभी आवाज ठीक है? हाँ मैम ठीक है, अभी ठीक है ना? एक मिनट, अभी आप क्लियर सुनाई दे रहा है सर? प्रभात सर मैम क्लियर है, अभी दिखाई दे रहा है? हाँ मैम दिखाई दे रहा है। ओके तो बात हम कर रहे थे कि फ्लोरेसेंस से कॉन्फोकल में हमने अपडेट किया, तो फ्लोरेसेंस में जो कलर एमिशन वाला जो फिनोमेना था दैट वाज सेम, बट यहाँ पर क्योंकि वाइट लाइट को यूज किया गया था जो कि बहुत वेग है, जिसमें एक्चुअली बहुत सारे वेवलेंथ्स उसमें रहते हैं, तो उसकी जगह पर लेजर को यूज किया गया जो कि बहुत स्पेसिफिक होता है। लेजर इज अ वेरी स्पेसिफिक सोर्स ऑफ लाइट, अगर हम उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, फिर से आवाज नहीं आ रही मैम, वॉइस इज क्लियर, मैम वॉइस इज क्लियर, योर वॉइस इज ऑडिबल, वॉइस इज नॉट वेरी क्लियर, एम आई ऑडिबल? यस मैम यू आर ऑडिबल, वॉइस इज क्लियर। ओके यस मैम, ओके वॉइस क्लियर है। ओके इफ समबडी इज हैविंग अ प्रॉब्लम आई थिंक यू कैन गो फॉर हेडफोन्स और ईयर प्लग्स बिकॉज़ दैट विल इंक्रीज because the problem is at your end sir, abhi jinhone kaha aap apne end pe dekhiye agar aap headphone ya earphone laga karke
कोशिश करिए शायद ज्यादा अच्छे से सुनाई दे सके। ओके, तो अब ये जो लेजर है, ये लेजर इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। अगर हम सेल के अंदर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनल, हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट में हम इवन जो थैलाकॉइड है उस तक भी हम, उसके स्पेसिफिक पॉइंट तक भी हम पहुंच सकते हैं लेजर से, अगर हम उसको उसके इंटेंसिटी को हम एडजस्ट कर देते हैं। दूसरी चीज है कि लेजर के इंटेंसिटी को हम कंट्रोल करके, उसको रेगुलेट करके, हम अलग अलग डेप्थ के पिक्चर को अलग अलग लेवल्स को देख सकते हैं। सो वी कैन हैव अ बेटर, हेलो यस मैम, तो अलग अलग लेवल, जो अलग अलग डेप्थ्स की जो सेल में सेलुलर डेप्थ्स हैं उनको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और एक और जो इसका फायदा है, इसमें पिन होल्स यूज किए जाते हैं। पिन होल्स आर इज अ काइंड ऑफ अ कर्टन विद अ सिंगल होल इनसाइड, ना एक इस तरह का एक बैरियर है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को अपने अंदर से पास करने देगा और बाकी वेवलेंथ को रोक लेगा। तो इस तरह के somebody's mic is unmute, I think that is causing interference. ये जब माइक अनम्यूट हो जाता है तो उसके कारण जो इंटरफेरेंस होता है उससे सर आपको शायद दिक्कत आ रही होगी। तो उसमें जो पिन होल्स हैं, पिन होल्स क्रिएट अ काइंड ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट, और उसके कारण जितने भी जो भी नॉइस है, बैकग्राउंड नॉइस जिसको हम बोलते हैं, बैकग्राउंड नॉइस मतलब जो बैकग्राउंड है उससे आने वाली जो अनवांटेड लाइट है उसको पिन होल्स की मदद से रोका जा सकता है। ये पिन होल्स सिर्फ एक लाइट जिसको हमने फोकस किया है उस पर्टिकुलर लाइट को ही अलाउ करता है डिटेक्टर के ऊपर जाने के लिए, और डिटेक्टर क्योंकि सिर्फ एक लाइट को ही ऑब्जर्व करता है तो ऑप्टिकल प्लेन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। एंड सिंस द ऑप्टिकल प्लेन इज, ऑप्टिकल प्लेन मतलब जिस हिस्से को हम देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिकल प्लेन, द प्लेन दैट वी कैन सी। सो जो ऑप्टिकल प्लेन है सिर्फ उसी को डिटेक्टर पर जाने के लिए परमिट करता है। इस कंडीशन में हमको एक बहुत स्पेसिफिक जो पिक्चर है वो दिखाई देता है। बैकग्राउंड नॉइस नलीफाई हो जाता है, यानी जो भी बैकग्राउंड से आने वाली अनवांटेड लाइट थी उसको कट ऑफ कर देता है। और इस तरह से हम अगर पिक्चर बाय पिक्चर हम उसको इकट्ठा करेंगे तो ये कंप्यूटराइज्ड अक्यूमुलेशन, है ना, अक्यूमुलेटिव पिक्चर हमको दिखाई देगी जो कि हमको एक 3D पिक्चर के रूप में नजर आएगी। एंड दिस विल बी अ बेटर परसेप्शन देन फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। सो कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी जो है इसमें ऑप्टिकल रेजोल्यूशन, सी देर आर टू टर्म्स व्हाइल टॉकिंग अबाउट माइक्रोस्कोपी, मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। फर्स्ट लुक में हमको ये दोनों एक ही चीज दिखाई देते हैं, मैग्निफिकेशन कितना मैग्निफाई हो रहा है, जैसे एक पर्टिकुलर स्पेसिमेन को हम कितने टाइम्स मैग्निफाई, जैसे आप लाइट माइक्रोस्कोप जो हम लैब्स में यूज करते हैं उसका जो आई पीस है वो 10x का होता है और जो उसका ऑब्जेक्टिव लेंस रहता है वो जनरली 10x का या 40x का या 100x का हम यूज करते हैं। सो मैग्निफिकेशन बिकम्स 10 इंटू वट एवर इज दैट, अगर 10 है तो 100 टाइम्स, 10 इंटू 40 है तो 400 टाइम्स, 10 इंटू 100 है तो 1000 टाइम्स, तो दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, कितने टाइम्स हमने उसको मैग्निफाई किया है, ठीक है। रेजोल्यूशन इज एक्चुअली the ability to describe how potent that microscope is to differentiate between two points, मतलब कितनी सहजता से या सक्षमता से दो points को वो identify कर सकता है। दो points है, दो points को अगर वो microscope blur कर देता है तो resolution is very poor. अगर वो दो पॉइंट्स हमको क्लियरली नजर आ रहे हैं एज टू डिफरेंट पॉइंट्स तो इसका मतलब उसका रेजोल्यूशन हाई है। डिपेंडिंग अपॉन कि उस माइक्रोस्कोप की कितनी एबिलिटी है, उसकी एबिलिटी जितनी होगी वो मैक्सिमम उतना ही कर पाएगा,
तो हर माइक्रोस्कोप, हर टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन जो है वो अलग अलग, यानी एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफरेंट. और ये जनरली डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट पे और उसकी न्यूमेरिकल अपर्चर पे. न्यूमेरिकल अपर्चर के फिर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं कि उसका साइन ए कितना है, एन कितना है, ये सब उसके पैरामीटर्स हैं. बट एक चीज जो हम देख सकते हैं कि ये जो वेवलेंथ है और जो इसकी रेजोल्यूशन है, ये डायरेक्ट, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. जिस पर्टिकुलर लाइट की वेवलेंथ कम होगी उसका रेजोल्यूशन ज्यादा, वो ज्यादा रेजोल्यूशन देने में मदद करेगी माइक्रोस्कोप की. ठीक है. अब दूसरा जो आपको बताया कि लेजर, लेजर इज अ बेनिफिट ओवर कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी बिकॉज लेजर जो है स्पेसिफिक्स हैं और स्पेसिफिक है. दूसरा पिन होल स्क्रीन, दैट इज अ वेरी गुड एडवांसमेंट ओवर फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी बिकॉज इट ब्लॉक्स द अनवांटेड नॉइज, बैकग्राउंड नॉइज, अनवांटेड इमेजेस फ्रॉम द बैकग्राउंड, सो दैट जिसको हम फोकस कर रहे हैं हमें सिर्फ वही दिखाई देगा और इसलिए जो इमेजेस हैं दे हैव अ बेटर कॉन्ट्रास्ट एंड दे आर लेस हेजी. नाउ दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी. दे हैव अबिलिटी टू कंट्रोल डेप्थ ऑफ द फील्ड. जैसे मैंने बोला कि लेजर जो है उसकी वो इतने स्पेसिफिक हैं कि इवन हाइट्स जो है, पर्टिकुलर हाइट्स के जो स्पेसिमेन है उसको हम एक पर्टिकुलर हाइट पर ही, एक पर्टिकुलर लेवल पर ही ऑब्जर्व कर सकते हैं. उससे नीचे वालों को हम नीचे ऑब्जर्व करेंगे, उससे ऊपर वालों को ऊपर ऑब्जर्व करेंगे, यानी एक थ्री डायमेंशनल कॉन्फिगरेशन हमें वहां पर नजर आएगा. ठीक है. बैकग्राउंड जो नॉइस है उसको एलिमिनेट कर देता है एंड दिस जो वो है जो स्पेसिमेन है जिसको हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, हमें सिर्फ वही स्पेसिमेन जो है वो क्लियरली दिखाई देता है. ठीक है. फिर इसमें अब क्योंकि ये स्पेसिफिक है ना, तो हमको एक समय में बहुत सारी चीजें दिखाई नहीं देंगी, हमें एक समय में एक चीज दिखाई देगी. तो हमें हर बार हर स्पेसिमेन में जितनी चीजें हमें ऑब्जर्व करनी है उसके लिए हमें उतनी बार उस स्पेसिमेन पर जाना पड़ेगा और लेजर को हमको उतनी बार अलग अलग जगहों पर फोकस करना पड़ेगा और इस तरह से हमारे पास एक सीरीज ऑफ इमेजेस जो इकट्ठी होंगी, इन सीरीज ऑफ इमेजेस को हम एक क्या क्यूमुलेटिव इफेक्ट के रूप में देखेंगे एज अ 3D इमेज. और इसके लिए हमको कंप्यूटेशनल एड चाहिए होगी, कंप्यूटेशनल डेटा असेंबली चाहिए होगी और पूरा डेटा को असेंबल करके, तो ये जो हम कहलाता, ये कहलाता है सीरियल ऑप्टिकल सेक्शंस. सीरियल ऑप्टिकल सेक्शंस मींस हर एक स्पेसिमेन को अलग 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 ऑब्जर्व करके, हर एक की पिक्चर को अलग अलग इमेज को लेकर के और उसको फिर सीरियली अरेंज करके हम पूरे एक उसको ऑब्जर्व करेंगे, पूरे एक स्पेसिमेन को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे. स्पेशली इफ इट इज अ थिक स्पेसिमेन, जैसे लाइट माइक्रोस्कोपी में तो अगर थिक स्पेसिमेन है लाइट ही पास नहीं होगी तो हमें दिखाई नहीं देगा, बट यहाँ पर वो थिक स्पेसिमेन जो है उसको अलग अलग लेजर की मदद से, अलग अलग लेजर इंटेंसिटीज की मदद से हम अलग अलग लेवल पर उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी इमेज ले सकते हैं और फिर क्यूमुलेटिव उसको एक पिक्चर में, एक स्पेसिमेन कलेक्शन में हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. इस तरह से मिलने वाली जो पिक्चर्स हैं वो बहुत हाई क्वालिटी इमेजेस हैं और दे आर एडवांसमेंट ओवर द फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी. अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये दो डिफरेंसेस हैं. ऊपर वाली जो इमेजेस दिख रही हैं ए बी सी वो हमको फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी से ऑब्जर्व्ड पिक्चर्स हैं. फर्स्ट जो है वो एक गैंग्लियन है, सेकेंड थर्ड वाला इज अ पोलन ग्रेन. सिंस आई एम फ्रॉम बॉटनी आई रिमेम्बर द पिक्चर्स कमिंग फ्रॉम द प्लांट किंगडम. तो सी आप देख सकते हो कि ये एक सनफ्लावर के पोलन ग्रेन का पिक्चर है. यहाँ पर आपको कलर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप उसके एक्सटर्नल फीचर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो. बट व्हेन यू कम टू डी सी एंड डी ई एंड एफ पिक्चर्स, उन्हीं पिक्चर्स को जब हमने कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी की मदद से देखा तो हम उसके डिटेल्स तक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एफ में आप देख सकते हैं कि आप उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर प्लस जो एक्साइन
डिजाइन्स हैं वो भी आप इजीली उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो ये एक बेनिफिट है ओवर द फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, बेनिफिट ऑफ कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी ओवर द फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी. नाउ कमिंग टू हिस्ट्री, हाउ इट डेवलप. जो सबसे पहला जो कंसेप्ट है कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी, कॉन्फोकल नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम दो बार फोकल प्लेन्स जो हैं उनको एडजस्ट करते हैं सो दैट जो स्पेसिमेन है उससे निकलने वाले दो क्या बोलेंगे उसको दो लाइट्स दो फोकल प्लेन्स ही बोलेंगे उसको वो दो बार एडजस्ट होते हैं. एक बार जब वो लेजर से निकलता है यानी लाइट सोर्स से निकलता है पिन होल की मदद से हम उसको उसका जो फोकस है वो सेट करते हैं, आउट ऑफ फोकस लाइट को हम डिस्कार्ड कर देते हैं. सो वंस द फोकस इज सेट व्हेन द लाइट इज कमिंग फ्रॉम द लेजर दैट इज द लाइट सोर्स एंड सेकेंड टाइम इट इज अगेन एडजस्टेड अगेन आउट ऑफ फोकस लाइट इज डिस्कार्डेड जब ये रीच कर रहा है डिटेक्टर पर. अभी जब उसका एक लाइन डायग्राम मैं आपको समझाऊंगी तब आपको समझ आएगा. बट ये जो पूरा कॉन फोकल मीन्स टू टाइम्स वी आर एडजस्टिंग द फोकल फोकल पॉइंट. सो ये कॉन फोकल नाम जो दिया था या जो कंसेप्ट बिल्ड किया था ये निपोव ने किया था. बट देन द एग्जैक्ट कॉन फोकल माइक्रोस्कोप वॉज डेवलप्ड बाय मार्विन मिन्स्की. तो क्रेडिट गोज टू मार्विन मिन्स्की, उन्होंने जो फर्स्ट स्टेज स्कैनिंग कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप डेवलप किया था एज अ पोस्ट डॉक्टरल स्टूडेंट इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. वो बहुत सारे अनवांटेड स्कैटर लाइट को एब्जॉर्ब करके अवॉइड करके और जो वांटेड फोकल पॉइंट है उसी से लाइट को उन्होंने डिटेक्टर पर ऑब्जर्व किया. बट बिकॉज शुरुआत थी और जो लेजर वॉज नॉट well developed at that time or what was not known to function in this particular type of arrangement, to laser ka use nahi kiya, white light ka use kiya, data jo hai usko computers were not that developed, to unka jo concept tha wo tha bahut acha lekin kahin na kahin wo in drawbacks ke karan bahut zyada unse bahut aage nahi badha paye. Baad mein David Heather and Mojbeth Petran namak do scientists the jinhone निपकोव का स्पिनिंग डिस्क जो कंसेप्ट था उसको फिर से यूज किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए. और जो मिन्स्की का जो बेसिक स्टेज स्कैनिंग कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप था उसमें लेजर टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स ऐड करके डिजिटल मैनिपुलेशंस ऑफ द इमेजेस वर एडेड और इन सब को करके उन्होंने एक प्रैक्टिकली यूजेबल कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप का निर्माण किया. और इससे फिर फर्स्ट कॉमर्शियल कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ 1987 में. इसमें जो बेनिफिट्स थे इट हैड पावरफुल लेजर्स विद वेरी हाई स्कैनिंग एफिशिएंसी और जो ऑप्टिक्स थे वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव लेजर के कारण वैसे ही ऑप्टिक्स इंप्रूव हो जाते हैं. और इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से और इम्प्रूव ऑप्टिक्स का इन्होंने यूज़ किया एक कॉमर्शियल माइक्रोस्कोप बनाने में. और आज जो हम माइक्रोस्कोप्स देखते हैं दे हैव गॉट ऑल पॉसिबल इंटीग्रेशंस ऑफ द टेक्नोलॉजी. अभी जितनी टेक्नोलॉजी है मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं ऑप्टिकल कंपोनेंट्स हैं उन सब का जो एक पुराने हिस्ट्री से ऐड करते करते इन्होंने अब एक जो माइक्रोस्कोप डेवलप किया है दैट इज अ वेरी गुड माइक्रोस्कोप. हालांकि आज भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टैंड्स द बेस्ट बिकॉज वहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम को यूज किया जाता है. बट जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं जिससे बहुत अनस्किल्ड हैंड्स में हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को नहीं दे सकते हैं. इसलिए कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी स्टैंड्स द बेस्ट अमंग द प्रिवेलिंग टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपीज दैट आर इन नॉर्मल लेबोरेटरीज. अब इसका जो प्रिंसिपल है वो बेस्ड है दो चीज़ों पर. पहली चीज पिन होल्स जो हैं वो एक ऐसे बैरियर्स हैं जो एक को छोड़ के बाकी सबको अवॉइड कर देते हैं. ठीक है, तो इसमें एक पिन होल इल्यूमिनेशन के पास में जो भी लाइट सोर्स है लेजर है या जो भी लाइट सोर्स के रूप में यूज किया जाता है एक पिन होल वहां पर है सो दैट अ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज सेंट टू द मिरर. और दूसरा जो पिन होल है वो डिटेक्टर के पास है वहां. तो एक बार
आउट ऑफ फोकस लाइट इल्यूमिनेशन से रोक दी जाती है और दूसरी बार डिटेक्टर पर जाने से रोक दी जाती है, और इस तरह से दो बार जब आउट ऑफ फोकस लाइट नहीं पहुंचती है तो ओनली द लाइट दैट वी रिक्वायर फॉर दिस पर्टिकुलर इमेज प्रोडक्शन इज ओनली अवेलेबल एट द डिटेक्टर, इसीलिए इमेजेस आर वेरी शार्प, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया फ्लोरेसेंस का क्या कॉन्सेप्ट है, एक लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ इज सेंट और वहां पे जाके हम जो भी फ्लोरोफोर है, फ्लोरोफोर के रूप में जनरली प्रोटीन्स यूज किए जाते हैं, दे कैन बी ग्रीन फ्लोरो प्रोटीन्स और रेड फ्लोरो प्रोटीन जिनको हम GFP या RFP के नाम से जानते हैं, इनसे हम उनको डाई कर देते हैं। अब जैसे फ्लोरेसेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यही है कि वो ऐसे मटेरियल होते हैं जो लाइट की एक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं और दूसरे को एमिट करते हैं, तो यहाँ पर जनरली वो जिस लो वेवलेंथ लाइट विद हायर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ज्यादा एनर्जी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको सीढ़ी चढ़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी उतरने में कम लगेगी, ठीक है। तो चढ़ने में क्योंकि उसको ज्यादा एनर्जी लग रही है इसलिए वेवलेंथ लो है, और उतरने में उसको कम, जब उतरता है तो कम एनर्जी एमिट करता है ना, तो उसको वहां पर जो हायर वेवलेंथ है वो एमिट करता है लाइट, और वही लाइट हमको फ्लोरेसेंस के रूप में दिखाई देती है, तो हम बोलते हैं कि द इमेजेस द स्पेसिमेन फ्लोरेस। इसके साथ में जो वो है जो एक और एडिशन है इसमें, यहाँ पर आई थिंक आई फॉरगॉटन, वो है एक डाइक्रोइक मिरर। ये पार्ट्स हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस, आउट ऑफ फोकस, इन फोकस प्लेन, बीम स्प्लिटर्स, डिटेक्टर्स, कॉन्फोकल लेजर, ऑसिलेटर, ये जो है मिरर्स, ये मिरर्स भी एक खास किस्म के मिरर्स हैं। इन मिरर्स में जो खासियत है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और दूसरी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को अपने थ्रू पास कर देता है, यही इसका कंसेप्ट है, ठीक है। अब इसमें जो दो मेजर आइडियाज हैं, फर्स्ट पॉइंट बाय पॉइंट इल्यूमिनेशन ऑफ द स्पेसिमेन, वो आपको समझ में आ गया, क्योंकि लेजर बहुत स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक होने के कारण वो पूरे स्पेसिमेन में से एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया का इमेज लेता है, तो अगर हमें पूरे स्पेसिमेन का लेना है तो हमको पॉइंट बाय पॉइंट इल्यूमिनेट करके अलग 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 इमेज लेनी पड़ेगी और फिर उसको फाइनली हम कंप्यूटर में डेटा फीड करके और सीरियल ऑप्टिक जो स्पेसिमेन है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो है रिजेक्शन ऑफ द आउटर फोकस लाइट, जो हम पिनहोल कैमरा के पिनहोल्स की मदद से कर सकते हैं। यहाँ पर हाई इंटेंसिटी लाइट जो मिन्सकी ने यूज की थी वो था जिरकोनियम आर्क लैंप, लेकिन अभी जो यूज किया जाता है वो है लेजर लाइट सोर्स। डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, लाइट जो है उसमें बहुत ज्यादा तरह की वेवलेंथ होती है और लेजर जो है वो बहुत स्पेसिफिक होता है। लेजर ब्लू एक्साइटेशन लाइट, एक्साइटेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो फ्लोरेसेंस जो डाई है वहां जाकर के उसे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है, तो हम इसको एक्साइटेशन लाइट बोलते हैं, ठीक, बिकॉज इट नीड्स टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन सो दैट इट गोज टू द एक्साइटेड स्टेट, एंड ओनली व्हेन इट गोज टू द एक्साइटेड स्टेट एंड कम्स बैक टू द ग्राउंड स्टेट उसी कंडीशन में वो फ्लोरेस करेगा, अदरवाइज वो फ्लोरेस ही नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा जो है डाइक्रोइक मिरर, जैसे आपको मैंने बताया कि डाइक्रोइक मिरर जो है वो एक ऐसा खास तरह का मिरर है जो कि एक पर्टिकुलर, जैसे जो लाइट ब्लू लाइट जा रही है उसको वो रिफ्लेक्ट करेगा। लोअर जनरली डाइक्रोइक मिरर्स आर बिल्ट सो दैट दे रिफ्लेक्ट लाइट ऑफ लोअर वेवलेंथ एंड दे अलाउ द हायर वेवलेंथ टू पास थ्रू देम, ठीक है। तो इस तरह से डाइक्रोइक मिरर की मदद से हम एक ही मिरर से दो बार लाइट को पास करते हैं, एक बार स्पेसिमेन में जाने से पहले जब वो सोर्स से आ रही है और दूसरी बार डिटेक्टर में जाने से पहले स्पेसिमेन से डिटेक्टर के बीच में, ठीक। और दूसरी जो एक खास बात है कि हमको ऐसा एक स्टेज चाहिए या ऐसा एक मिरर चाहिए जो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली स्कैन कर सके, बिकॉज हमको पॉइंट बाय पॉइंट इल्यूमिनेशन देना है और लेजर की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग वी कैन एडजस्ट द लेवल्स ऑफ द व्हाटएवर स्पेसिमेन वी हैव। सेल जो है
हो सकता है न्यूक्लियस उसके सबसे ऊपर है, अगर मुझे न्यूक्लियस की पिक्चर लेनी है तो मुझे एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे उस लेजर को सेट करना पड़ेगा, सो दैट इट इज नाइदर शॉर्ट इनफ नॉट टू रीच द न्यूक्लियस नॉर इट इज लॉन्ग इनफ टू पेनिट्रेट डाउन द न्यूक्लियस. तो मुझे एक ऐसी इंटेंसिटी पे उसको सेट करना है कि वो एग्जैक्टली न्यूक्लियस पर ही फोकस्ड हो. अब मुझे एक क्लोरोप्लास्ट की पिक्चर लेनी है जो कि न्यूक्लियस से नीचे है, तो इन दैट केस मुझे अब इंटेंसिटी चेंज करनी पड़ेगी, मैं उस इंटेंसिटी पे नहीं बिकॉज दैट विल बी शॉर्टर देन द क्लोरोप्लास्ट. तो यहाँ पर हर बार मुझे जो लेजर इंटेंसिटी है वो रेक्टिफाई करनी है, हर बार मुझे चेंज करनी है स्पेसिमेन को. क्लोरोक्रोम से हमें क्लोरोफोर्स आपको बताया, जैसे ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोटीन्स हैं या रेड फ्लोरेसेंस प्रोटीन्स आर द मोस्ट वाइडली यूज टाइप ऑफ प्रोटीन्स फॉर फ्लोरेसेंस. फिर लाइट को हमने फोकस किया. अब मुझे लगता है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई. जो एक चीज़ हमारी रह गई है वो है डिटेक्टर. जनरली द डिटेक्टर दैट इज यूज इज अ फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब. फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब एक्चुअली इज अ काइंड ऑफ डिवाइस जो कि जितने भी इंसिडेंट फोटॉन्स, यहाँ पर हम लाइट के डुअल नेचर में से फोटॉन्स वाला नेचर ले रहे हैं ना, हम लाइट का डुअल नेचर है, कभी वो वेव फॉर्म में रहता है कभी वो फोटॉन्स फॉर्म में रहता है. अगर एक्साइटेशन करना है तो भी हम उसका फोटोन फॉर्म ही कंसिडर करते हैं. यहाँ पर भी जो फोटॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है जिनको, वो है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब. इसकी जगह एक एवलैंच फोटो डायोड भी यूज होता है. फिजिक्स में हम शायद इसको ज्यादा अच्छे से समझ सकेंगे, बट यहाँ पर हम इतना समझ लेते हैं कि जो फोटोन है उसको वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कंप्यूटर जो है वो इजिली आइडेंटिफाई कर सकता है. ठीक है, और अगर हम सेक्शंस एट अ रेट ऑफ 0.1 to 1 second एक इमेज के लिए कलेक्ट करते हैं और इस डेटा को हम कंप्यूटर में फीड करते हैं तो वी कैन बिल्ड अ 3D इमेज. ओके, एंड यहाँ पर हमको स्कैनर की जरूरत है विच स्कैन्स द फोकस्ड बीम अक्रॉस अ सिलेक्टेड टू स्कैनर. पर्टिकुलर बीम को, जो फोकस्ड बीम है उसको उस एरिया में जाकर के स्कैन करेगा, और हाई स्पीड ऑसिलेटिंग मिरर्स भी यूज कर सकता है क्योंकि उसको मूव करना है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली. और इसमें जो मूवमेंट है ऑसिलेटिंग मिरर्स का, वो गैल्वेनोमीटर मोटर्स की मदद से उसको एडजस्ट किया जाता है सो दैट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट्स जो है वो इजिली किए जा सके. और जनरली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ना, अगर हम वर्टिकली बात करें तो वाई एक्सिस हो जाता है, हॉरिजॉन्टली बात करें तो एक्स एक्सिस हो जाता है. एक्स एक्सिस पे वो लेफ्ट टू राइट मूव करता है, और सेकेंड मिरर, एक मिरर अगर दो मिरर्स एडजस्टेड हैं, और जो सेकेंड मिरर है वो वाई एक्सिस की लाइट को ट्रांसलेट करता है. और इस तरह से एक्स और वाई के कोऑर्डिनेशन से हमको, अच्छा अब होगा क्या, एक्स एक्सिस पे वो लेफ्ट टू राइट जब करता है तभी उसको कंप्यूटर रीड करता है, यानी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाते हैं वो तभी रीड किए जाते हैं जब मिरर लेफ्ट टू राइट जा रहा है. अब राइट से उसे वापस लेफ्ट भी तो आना है, लेकिन उसे कंप्यूटर जो है वो रीड नहीं करता है, और ये कहलाता है फ्लाई बैक. ये जो प्रोसेस है ऑफ कमिंग ऑफ द मिरर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जिसको कि कंप्यूटर आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, इसे हम फ्लाई बैक करते हैं. इस समय कोई इंफॉर्मेशन गैदर नहीं होती है, यानी ये सारी लाइट जो है उसको हम आउट ऑफ फोकस लाइट मानते हैं. ठीक है, और सिर्फ हम जो लेफ्ट टू राइट वाले जो इमेजेस हैं उन्हीं को आइडेंटिफाई करते हैं. अब ये देखिए, ये एक बहुत ही सिंगल रे डायग्राम है जिसके हम पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या. कॉन्फोकल माइक, ये जो आप एक देख रहे हैं लाइट सोर्स के आगे आपको एक बैरियर नजर आ रहा है, उस बैरियर पर एक अपर्चर है. ठीक है, इसी अपर्चर को हम पिन होल नाम संज्ञा दे रहे हैं कि यही पिन होल है. इससे निकलने वाली एक सिंगल वेवलेंथ लाइट जब इस मिरर पर, जिसको हम बीम स्प्लिटर बोल रहे हैं, इस पर जब पड़ती है तो ये पहले जा करके, और ये स्पेसिमेन पे देखिए, ये एक रेड लाइट पहले जा रही है, एक वेवलेंथ की लाइट,
जो कि एक ऑब्जेक्टिव लेंस से होते हुए स्पेसिमेन, ये येलो कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है वो है स्पेसिमेन, इस स्पेसिमेन से स्ट्राइक करता है और स्ट्राइक करने के बाद ये दूसरी वेवलेंथ, जैसे आपको बताया कि वहां पर वो वेवलेंथ जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये लॉन्गर वेवलेंथ जो आ रही है ये जा करके और फिर से उसी पर्टिकुलर मिरर से टकराएगी, मिरर से टकराने के बाद में लाइट फिर एक अपर्चर से पास करेगी जो कि सेकेंड पिन होल कैमरा, और वहां पर आकर के डिटेक्टर पर ये आइडेंटिफाई होगी। दिस इज द कॉमन द प्रिंसिपल हाउ इट रन्स। अब ये कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप का फिनोमिना है जो उसी पर बेस्ड है। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं एक लेजर है, वहां से निकलने वाली एक मोनोक्रोमेटिक लाइट एपर्चर से कॉन्फोकल पिन होल आपको दिखाई दे रहा है उससे होते हुए और ये जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस पर फॉल करता है मिरर से होता हुआ, और वहां से ये चला जाता है स्पेसिमेन पर। स्पेसिमेन पर जितने आउट ऑफ फोकस प्लेन्स हैं वो लाइट को डिफ्लेक्ट कर देते हैं और सिर्फ जो इन फोकस प्लेन है दैट विल पास थ्रू द ऑब्जेक्टिव लेंस अगेन रीच द मिरर, डाइक्रोइक मिरर, और ये अब डाइक्रोइक मिरर जो है जब ये इसको रिफ्लेक्ट करता है फिर ये एक सेकेंड पिन होल है इससे जब लाइट पास करता है तो अगेन अ सिंगल बीम ऑफ लाइट कैन पास थ्रू द फिनोमिना फ्रॉम द पिन होल एंड रीच द डिटेक्टर। तो एक लाइट, एक बीम लाइट की लेजर की स्पेसिमेन तक पहुंची और एक ही लाइट जो है वो डिटेक्टर तक पहुंची, तो हमारे पास एक बहुत ही स्पेसिफिक काइंड ऑफ इमेज जो है वो डिटेक्टर पर प्राप्त हुई। इज इट क्लियर, सबको समझ में आया ये? यस मैम। इसमें ये देखो ये बेसिक कंसेप्ट है कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप का, एक लेजर की बीम को में जितने आउट ऑफ फोकस बीम्स थी उनको पहले पिन होल ने अरेस्ट कर लिया, फिर ये मिरर से होता है डाइक्रोइक मिरर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को पास करने देता है एक को रिफ्लेक्ट कर देता है। देखिए एक जो बीम है वो पास हो गई इस मिरर से, ऑब्जेक्टिव से पहुंची स्पेसिमेन पर, स्पेसिमेन पर जाकर के अगेन जो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है वो फिर ऑब्जेक्टिव से जाकर के और अब वो डाइक्रोइक मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाती है, अब वो पास नहीं कर रही है क्योंकि वो दूसरी वेवलेंथ है, पहली वेवलेंथ थी वो पास कर गई, अब क्योंकि वेवलेंथ चेंज हो गई है इसलिए अब ये पास नहीं करेगी और ये जो है जब ये डिटेक्टर की तरफ रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी उसके बीच में एक और पिन होल है जो फिर सिर्फ आउट ऑफ फोकस जितनी बीम्स हैं उनको रोक लेगा और केवल एक बीम जो है वो डिटेक्टर तक पहुंचेगी। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी के कितने टाइप्स हैं। जो अभी हमने देखा वो सबसे ज्यादा कॉमन कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप्स होते हैं जिन्हें हम लेजर स्कैनिंग कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप या कॉन्फोकल लेजर स्कैनिंग माइक्रोस्कोप LSCM या CLSM दोनों एक सेम उसी का नाम है जो अभी हम बात कर रहे थे। दूसरा है स्पिनिंग डिस्क विद डुअल स्पिनिंग डिस्क, इसको हम माइक्रो लेंस एनहांस्ड कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं, और प्रोग्रामेबल एरे माइक्रोस्कोप। दिस इज द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप जो अभी हमने देखा कि एक पर्टिकुलर बीम जो है वो एक्स एक्सिस पे रन करती है एक वाई एक्सिस पे रन करती है और इस तरह से दो जगह जो है वो स्कैनिंग की जाती है जिससे हमें 3D ऑब्जेक्ट्स का पिक्चर मिलता है। अब यहाँ पर जो लाइट सोर्स हमने या सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन जो हमने लिया वो एक केवल सिंगल लेजर बीम थी। अब अगर हम एक लेजर बीम की जगह हम बहुत सारे बीम्स ले लें और एक पिन होल की जगह हम बहुत सारे मूवेबल अपर्चर्स ले लें, ठीक है, तो हमको एक समय पर बहुत सारी पिक्चर्स जो हैं वो एक साथ डिटेक्ट हो जाएंगी, हम प्रोवाइडेड कि डिटेक्टर भी उतना ही एफिशिएंट हो, ठीक है। तो एक बीम ना लेकर के जब हम बहुत सारी बीम्स लेते हैं और एक या दो पिन होल जहाँ पर हैं दोनों जगह पर हमारे अपर्चर्स जो हैं वो भी ज्यादा हैं मूवेबल हैं
उस केस में हमको क्या मिलेगा कि हम एक प्लेन पर लंबे समय तक पिक्चर ले सकते हैं जो हमको अलग अलग लेवल्स पर एक ही समय पर स्कैन करने में मदद करेगी। तो यहाँ पर लंबे समय तक जो एक्साइटेशन एनर्जी है वो मतलब जितने लंबे समय तक हम उसको रखेंगे हमारी एक्साइटेशन एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है वो उतनी कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको फोटोटॉक्सिसिटी इससे कम हो जाएगी और फ्लोटो ब्लीचिंग इससे कम हो जाएगी और लाइव सेल्स को डैमेज जो है वो कम हो जाएगा स्पिनिंग डिस्क कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप की मदद से। इसी में अगर हम अब ये दो डिस्क एक के ऊपर एक लगा दें, ठीक है, ये एक जापानी साइंटिस्ट थे योकोगावा इलेक्ट्रिक, इन्होंने इसको इम्प्रूव किया स्पिनिंग डिस्क को। उन्होंने क्या किया कि एक डिस्क के साथ में एक और डिस्क, देखिए एक एडिशनल डिस्क उन्होंने ऐड कर दी। तो एक में तो पिन होल्स थे जैसा कि स्पिनिंग डिस्क में था, पिन होल्स ही हैं, दूसरे वाले में माइक्रो लेंसेज ऐड कर दिए और जो माइक्रो लेंसेज हैं वो पिन होल पर जो ब्रॉडबैंड बहुत सारे जो आ रहे हैं, बहुत सारी बीम्स आ रही हैं, फोकस हो रही हैं, उसको कैप्चर कर लेता है और उसको रीडायरेक्ट करता है इनटू ईच पिन होल। ठीक है, तो लाइट जितनी लाइट आ रही है उसमें जितने भी आउट ऑफ फोकस थे उसको कैप्चर करके उसको इन फोकस बना करके और पिन होल्स में इंसर्ट कर देता है। तो उसके लिए हमको कम लाइट की ज़रूरत है, बहुत सारी लाइट जो वेस्ट हो रही थी आउट ऑफ फोकस जा रही थी उसको वो रीफोकस कर दे रहा है टूवर्ड्स द पिन होल्स। तो कम लाइट में ये काम जो है वो हो जा रहा है और बाकी जो बेनिफिट है वो वही है जो कि इसका है स्पिनिंग डिस्क का है कि एक साथ बहुत सारी बीम्स हैं, बहुत सारे अपर्चर्स हैं और बहुत सारे जो इमेजेस हैं डिटेक्टर्स पर ऑब्टेन हो रहे हैं। तो हमें लेस टाइम के लिए वहाँ पर मतलब लेस टाइम में विल गेट मोर पिक्चर्स। ठीक है, और लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पर और क्विक हो रहा है क्योंकि जो आउट ऑफ फोकस लाइट थी उसको रीफोकस किया जा रहा है इनटू द पिन होल्स। तो अब क्या हो रहा है कि लाइट और फास्ट हो रही है। तो दिस हैज टू बी असिस्टेड विद अ कैमरा जिसको हम सीसीडी कैमरा बोलते हैं और ये जो सीसीडी कैमरा है इसका जो परसेप्शन है एक नॉर्मल डिटेक्टर या नॉर्मल कंप्यूटराइज्ड कंप्यूटर से ज्यादा रहता है। चौथा है प्रोग्रामेबल। कई साइंटिस्ट जो है वो स्पिनिंग और डुअल स्पिनिंग को एक ही मानते हैं, इट इज जस्ट एन इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्पिनिंग, बट कई साइंटिस्ट इसको अलग अलग मानते हैं बिकॉज स्पिनिंग इज ऑल्सो बींग यूज समय, कहीं कहीं पर स्पिनिंग ही यूज होता है, कहीं कहीं पर डुअल स्पिनिंग यूज होता है। फिर आता है प्रोग्रामेबल एरे माइक्रोस्कोप। ये एक ऐसा माइक्रोस्कोप है, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप है जहाँ पर कि SLM यूज किया जाता है, स्पेशल लाइट मॉड्यूलेटर। नाउ दिस स्पेशल लाइट मॉड्यूलेटर इज एन ऑब्जेक्ट दैट इम्पोजेस सम फॉर्म ऑफ स्पेशली वेरिंग मॉड्यूलेशन ऑन अ बीम ऑफ लाइट। अब बहुत सारी लाइट फोकस की, उसमें से सिर्फ एक ही अगर लाइट जाती है और बाकी आउट ऑफ फोकस होकर वेस्ट हो जाती है, तो यहाँ जैसे हमने वहाँ पर माइक्रो लेंसेज हैं जो कि पिन होल्स पर रीडायरेक्ट कर रहे थे, ये जो मूवेबल अपर्चर्स हैं इनकी जो पिक्सल्स क्या बोलेंगे इनको, इनकी जो ओपेसिटी है, रिफ्लेक्टिविटी है, ऑप्टिकल रोटेशन है, ये वेरिएबल होती है, अपने को ये चेंज कर सकता है लाइट कितनी लाइट अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग, जिससे कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके लाइट का, मैक्सिमम लाइट कैन बी रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स द पिन होल्स एंड इट कैन बी ऑब्टेन इन अ बेटर फॉर्म। मतलब जितना ज़्यादा हम लाइट को एज अ सोर्स यूटिलाइज कर सकते हैं सो दैट आउट ऑफ फोकस लाइट इज मिनिमाइज, उतना ज़्यादा वो माइक्रोस्कोप जो है वो यूजफुल माना जाएगा। तो ये लेज़र कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी से एडवांसमेंट है जहाँ पर लेज़र में एक बीम ऑफ लाइट को अलाउ किया, बाकी सबको सबसाइड कर दिया, बाकी सबको उसने अवॉइड कर दिया। बट ये क्या है अरेंजमेंट्स कि मैक्सिमम लाइट को यूटिलाइज किया जा सके सो दैट एक बार जब लाइट फोकस हो रही है तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाया जा सके। यहाँ वहाँ पर क्या हो रहा था कि मूवेबल बहुत सारे अपर्चर्स को यूज़ किया गया है, यहाँ पर
जो अपर्चर्स हैं उनकी ओपेसिटी, रिफ्लेक्टिविटी या ऑप्टिकल रोटेशन को मॉडिफाई करके मैक्सिमम लाइट को यूज किया जा रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये अलग अलग प्रकार के जो कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप्स हैं उनसे मिलने वाले इमेजेस हैं। फर्स्ट लेजर स्कैनिंग माइक्रोस्कोप से मिला हुआ इमेज है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, एक थ्री डायमेंशनल इमेज है कि लोअर डेप्थ में क्या है, ऊपर की तरफ क्या है, कहाँ कॉन्केविटी है, कहाँ पे कॉन्वेक्सिटी है, इस तरह के जितने भी इसमें कंटूर्स हैं वो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। स्पिनिंग डिस्क में आप देख रहे हो कि एक साथ कितने सारे अपर्चर्स के थ्रू मिलने वाली पिक्चर्स हैं, जो आप एक एक क्या बोलेंगे प्लान, एक प्लानर ज्योमेट्री में आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। प्रोग्रामेबल एरे माइक्रोस्कोप, इस तरह से बहुत सारे उनकी ओपेसिटी या रिफ्लेक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम उसी लाइट को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इन द एप्लीकेशंस कहाँ पर हैं, ये जो है बायोमेडिकल साइंसेज में, ऑप्थाल्मिक साइंसेज, आई से रिलेटेड जो साइंसेज रहते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। ब्रेन से रिलेटेड जो कहीं कहीं कोई प्रॉब्लम है ब्रेन में, क्योंकि थ्री डायमेंशनल इमेज ऑफ ब्रेन इज प्राइम रिक्वायरमेंट कि हम उस पर्टिकुलर ब्रेन को पूरा का पूरा एक थ्री डायमेंशनल व्यू में देख सकें, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ क्या चीज़ है, सो दैट कभी हम सर्जरी के लिए या कहीं जाए तो हम उसका इजिली कंट्रोल को समझ सकें। सेल बायोलॉजी में तो हम समझ ही रहे हैं कि सेल, क्योंकि सेल जो है वो पूरा एक ही वो एक टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ही नहीं, वो एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। उस थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को एज सच समझने के लिए हमको कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप जो है वो बहुत मदद करता है। देन माइक्रोबायोलॉजी है, डेवलपमेंटल बायोलॉजीज है, इन सब में इसका बहुत यूज है। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया बायोमेडिकल साइंसेज में जो आई कॉर्नियल इन्फेक्शन हैं ना, उनमें इनको देखने में, आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। देन एपिथीलियल सेल्स ऑफ द कॉर्निया, उनको आइडेंटिफाई करना है, या अगर कोई फंगल इन्फेस्टेशन हो गए हैं कॉर्नियल स्ट्रोमा में उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, और केराटोमाइसिस इन्फेक्शन में भी आइडेंटिफाई करने के लिए, और फिर इनसे हम जो भी रेमेडीज हैं वो ईजिली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इनका बहुत एप्लीकेशन है, थिन फिल्म फार्मास्यूटिकल्स बनाने में, सो दैट जो भी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म हो, क्वालिटी उसकी मेंटेन हो, और 3D ऑप्टिकल स्टोरेज सिस्टम्स के लिए तो डाटा जो है वो यूज होता ही है। फिर क्योंकि हम इसको बोल रहे हैं कि दिस इज द बेस्ट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी दैट कैन बी यूज इन अ ऑर्डिनरी लेबोरेटरी, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को एफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, और इट नीड्स लॉट ऑफ स्किल्स टू हैंडल एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो उसकी जगह हम इससे बहुत अच्छा रेजोल्यूशन ले सकते हैं, और ईच सेल कैन बी इजिली विजुलाइज्ड एंड वी कैन हैव पिक्चर्स स्टोर्ड इन कंप्यूटर्स सो दैट दे कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर इन फ्यूचर ऑल्सो। और दूसरी चीज जो है, फिक्स सेल्स का तो हम ले ही सकते हैं, इसमें लाइव सेल्स का, जैसे हमने देखा आई कॉर्निया वगैरह, ये तो हम लाइव पिक्चर्स ले रहे हैं। फिक्स सेल्स स्पेसिमेन का पिक्चर तो हम लाइव माइक्रोस्कोप फ्लोरेसेंस से भी लेते हैं, बट यहाँ पर हम लाइव जो भी स्पेसिमेन है उनको भी हम देख सकते हैं, ठीक है। और फोकस पॉइंट जो है वो यूनिफॉर्मली होते हैं, 3D सेट्स ऑफ इमेजेस होते हैं, सो दीज आर द एडवांटेजेस, बट इट हैज गॉट अपनी लिमिटेशंस ऑल्सो, क्योंकि जो लिमिटेड नंबर ऑफ एक्साइटेशन वेवलेंथ्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं, और एक्सपेंसिव, जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं वो एक्सपेंसिव भी हैं एंड दे आर डेंजरस ऑल्सो टू हैंडल, और नेचुरली एक्सपेंसिव है, लेज़र है इसमें, और लेज़र को यूज़ कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो एक नॉर्मल कॉलेज लेबोरेटरी में हम अफोर्ड नहीं कर सकते इसको। जी क्या कह रहे हैं, शुड आई कंटिन्यू विद द सेकंड टॉपिक और देर आर क्वेरीज रिलेटेड टू द फर्स्ट टॉपिक?
मैं सेकंड से शुरू कर रही हूँ. एनी हैव एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? किसी को कुछ पूछना है या सेकंड टॉपिक से शुरू करूं? क्या हम इसका मतलब जो लाइव सेल जो होते हैं उसमें भी स्टेनिंग वगैरह की जरूरत होता है? नहीं, उसमें स्टेन तो हम कर ही नहीं रहे ना बेटा, हम तो लाइट यूज कर रहे हैं, हम तो फ्लोरेसेंस जो यूज कर रहे हैं ना, वो फ्लोरोपोर की जरूरत होती है. बट लाइट लाइव में हम वो भी नहीं कर सकते. जैसे आई का कॉर्निया है, उसको आप कैसे फ्लोरोपोर से डाई करोगे? तो उसमें वेवलेंथ ऑफ लाइट से ही हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं. मैम तो जैसे यदि और कोई मुझे एनिमल कल्चर जो है उसका यदि और कोई देखना है तो मैम वो उसका अलग स्लाइड प्रिपरेशन करना पड़ेगा या तो फिर वो जो कल्चर प्लेट में ही है उसी को मैं देख सकता हूँ? वो आपके एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होगा ना. अगर आपका एक्सपेरिमेंट डिमांड करता है कि आप उसको लाइव देखना चाहते हैं तो जी 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 जैसे कुछ फ्लोरोफोर्स जो है वो इंजेक्ट भी किए जाते हैं कि वो जो एरिया है वो फ्लोरेस हो जाए. ठीक है, तो अगर आपका एक्सपेरिमेंट डिमांड करता है कि आपको उसको लाइव देखना है तो आपको जो भी फ्लोरोफोर है वो उसको फ्लोरोक्रोम जो उसको इंजेक्ट करना पड़ेगा सो दैट वो रीजन जो है वो फ्लोरेस करे. और अगर आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो अलाउ करता है कि आप स्पेसिमेन का स्लाइड बना करके उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली स्लाइड बनाइए और तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप फ्लोरेस करिए उसको और ऑब्जर्व कर सकते हैं. जी थैंक यू मैम. वेलकम बेटा. स्टार्ट करें फिर सेकंड टॉपिक से, माइक्रोटोमी. फर्स्ट आई होप इज क्लियर टू ऑल. फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. ये जो अभी तक हमने जो देखा वो था कि हमने जो भी हमारे को सेक्शन दिया गया उसको हमने ऑब्जर्व किया. अब जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे, हम सेक्शन को बनाएंगे कैसे. ठीक है, तो आप जो सेक्शंस बनाते हो, आप जैसे ये बोल रहे हैं कि इतनी सारी माइक्रोस्कोपिक चीज़ें हैं और माइक्रोस्कोप की मदद से हम उनको देख सकते हैं ना, वी कैन हैव अ डीपर इंसाइट इनटू माइक्रोस्कोपिक थिंग्स. पर उसके लिए हमको क्या बनाने हैं, हमको थिन सेक्शंस बनाने हैं. अब लाइट माइक्रोस्कोप की अगर बात करें तो लाइट माइक्रोस्कोप में अगर थिन सेक्शन नहीं होगा, हम बोलते हैं, आपको लैब में भी मैम लोग बोलते होंगे कि थिन सेक्शन बनाओ, सिंगल सेल सेक्शन बनाओ, क्योंकि अगर वो सिंगल सेल नहीं होगा तो लाइट पास नहीं करेगी. दूसरा, ओवरलैप करेंगे नीचे की लेयर और ऊपर की लेयर, अगर लाइट पास कर भी गई तो इंटरफेयर करेंगे. तो उस केस में हमें एकदम पतले सेक्शंस की ज़रूरत है और हम ब्लेड से या रेजर से या हम मैनुअली जो भी बात करें, मैनुअली अगर हम कट करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारा जो एक्यूरेसी है वो हम नहीं एक्यूरेटली कट नहीं कर सकते. तो उसके लिए एक खास तरह की एक अरेंजमेंट है, एक खास तरह की मशीन है जिसे हम माइक्रोटोम बोलते हैं. एक ग्रीक वर्ड माइक्रोस और टेमनी से ऑप्टेन किया गया है. माइक्रोस आपको पता है स्मॉल और टेमनिन मतलब होता है टू कट. तो माइक्रोटोम जो वर्ड है उसका मतलब है टू कट वेरी स्मॉल, बहुत छोटा या बहुत पतला, बहुत एक्यूरेटली काटना, स्लाइस करना ना, उसको बोलते हैं माइक्रोटोमी. जो फिनोमिना है वो माइक्रोटोमी है और माइक्रोटोम जो है वो डिवाइस है, वो मशीन है जिसकी मदद से हम बहुत पतले सेक्शंस जो है वो काट सकते हैं. अब इसके लिए हमको जैसे आप जब लैब में करते हो तो जो बहुत फ्रेजाइल स्पेसिमेन होते हैं, जैसे ब्रायोफाइट का आपको स्लाइड बनाना है तो ब्रायोफाइट आप ऐसे कट नहीं कर सकते. स्टेम आप ऐसे पकड़ के आप कट कर लेते हो या स्लाइड पे रख के आप उसको स्लाइस कर लेते हो. लेकिन अगर हमें ब्रायोफाइट का स्लाइड बनाना है तो ब्रायोफाइट हम ऐसे सेक्शन नहीं काट सकते, वो इतना फ्रेजाइल है, इतना सॉफ्ट डेलिकेट है कि उसको हम कोशिश भी करेंगे तो वो कटेगा नहीं. तो हम उसको क्या करते हैं, हम जैसे जनरली उसको किसी ना किसी हार्ड टिश्यू के अंदर या तो आलू का एक ब्लॉक बनाते हैं और उसके अंदर उसको इंसर्ट करके तब कट करते हैं, या अगर छोटा है तो हम
जैसे हम अगर गैमा कप का डायग्राम गैमा कप का सेक्शन लेते हैं, तो हम कैलोट्रॉपिस की स्टेम लेकर के उसमें एक वर्टिकल सेक्शन काट के उसमें इंसर्ट करते हैं और फिर उसके सेक्शंस ले सकते हैं। तो यही फिनोमिना जो है ये माइक्रोटोमी में भी यूज होता है, क्योंकि सेक्शन को आप सीधे मशीन में डालोगे तो वो पूरा ही श्रिंक हो जाएगा। उसके लिए आपको एक मोल्ड चाहिए, एक ऐसे ब्लॉक्स चाहिए। वो ब्लॉक्स में आप उस जो भी मटेरियल है उसको इंसर्ट कर दोगे और फिर वो जो सेक्शंस हैं वो एक के बाद एक कटते चले जाएंगे। इसका बेनिफिट ये होता है, एक तो सेक्शंस आपकी जितनी आपको मोटाई चाहिए, थिकनेस चाहिए, उतने ही सेक्शंस कटते हैं। सारे के सारे सेक्शंस यूनिफॉर्म थिकनेस के होते हैं, और क्योंकि इसमें पतले सेक्शंस बने हैं और तो उनको मेंटेन भी करना है आपको। अगर आप उसको जैसे आप जो परमानेंट स्लाइड्स लैब में देखते हो ना, उसको अगर हम सीरीज से पास करके और परमानेंट स्लाइड बनाना चाहें तो हम इजीली बना सकते हैं। जबकि हाथ से कटे हुए सेक्शंस कहीं से मोटा कहीं से पतला होने से आप जैसे कवर स्लिप रखते हो, कवर स्लिप डांस करने लग जाती है, हिलने लग जाती है उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि वो सेक्शन यूनिफॉर्म विड्थ का नहीं है, यूनिफॉर्म थिकनेस का नहीं है। तो इसमें यूनिफॉर्म थिकनेस के सेक्शंस आते हैं, खराब नहीं होते हैं सेक्शंस। और आप मोल्ड, आपके पास आज स्पेसिमेन है, आप आज इसका वैक्स में मोल्ड बना के रख दो, आप चाहे हफ्ते भर बात करो वो खराब नहीं होगा। लेकिन आप देखते हो ब्रायोफाइट जो है वो बहुत जल्दी डिकम्पोज भी होना शुरू हो जाता है, बहुत डेलिकेट रहता है वो, ठीक है। तो ये है माइक्रोटोमी के जो फायदे हैं। ये एक जो पुराने जमाने का जो रेजर होता था उसको एज कटिंग डिवाइस यूज किया जाता था, फ्री हैंड से सेक्शन को, एक मोटा होता था एक पतला होता था, और ट्रांसल्यूसेंट हो जाते थे, जनरली लाइट ही पास नहीं करती है उसके अंदर, और इसकी वजह से हमको बहुत ज्यादा सेक्शंस जो है वो क्लियरली नजर, हमारा जो भी ऑब्जर्वेशन है वो बहुत ब्लर हो जाता है, ठीक है। अब इसमें देखो होता क्या है, पहला जो है वो है सैंपल होल्डर आपको दिखाई दे रहा है, और किस तरह से ब्लेड उसके साथ में लगा हुआ है। अब ब्लेड जो है ये दो तरह से रन करता है, या तो ब्लेड स्टेशनरी होता है और सैंपल होल्डर जो है वो ऊपर नीचे ब्लेड के ऊपर जाता है जिससे कि वो कट होता रहता है, या फिर सैम्पलर स्टेशनरी होता है और ब्लेड ऊपर नीचे कट करता है ना, दोनों तरह से। जैसे अगर ऑन अ लाइटर नोट आई कैन से आप कुल्हाड़ी पर पैर दे मारें या पैर पर कुल्हाड़ी मारें, कटेगा पैर ही। इसी तरह से ये जो सैंपल होल्डर है उसके अंदर का सैंपल ही कटेगा, चाहे सैंपल ब्लेड के ऊपर चले या ब्लेड सैंपल के ऊपर चले, दोनों तरह से सैंपल का ही जो सेक्शन है वो आएगा। अब वो एडजस्टमेंट किस तरह से होता है, कि ब्लेड को स्टेशनरी रख के होल्डर को मूव करना है या होल्डर को स्टेशनरी रख के ब्लेड को मूव करना है, वो डिपेंड करता है। वो अलग अलग तरह के माइक्रोटोम्स में अलग अलग तरह का प्रोविजन प्रोवाइड किया जाता है। बट एक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ब्लेड है सैंपल होल्डर ना, वो नीचे की तरफ यहाँ पर वो दिखा रहा है कि चाहे वो ब्लेड मूव करे चाहे वो सैम्पलर मूव करे, पर ब्लेड जो है वो जैसे ही उसके संपर्क में आएगा एक सेक्शन आपको यहाँ दिखा रहा है कि वो ब्लेड से अलग हो गया। फिर उसके बाद वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा और फिर वापस ऊपर की तरफ जाएगा। फिर वापस ऊपर जाने पर हमारे पास फिर से फर्स्ट सैंपल होल्डर आ जाएगा। एक्चुअली क्या होगा कि यह जो सैम्पलर है वो आगे, आप चारा कटिंग मशीन देखे हो, चारा कटिंग मशीन जब चलती है तो एक हाथ से पीछे से उसको धकेलना पड़ता है ना, एक बार भी उसने काट दिया फिर पीछे से उसको जब तक आप धकेलोगे नहीं कटेगा क्या। तो यहाँ पर भी सैम्पलर को भी पीछे से एक ऐसा मैकेनिज्म भी होना चाहिए जो पीछे से उसको रेगुलरली आगे की तरफ धकेलता रहे ना, और पर्टिकुलर उसी विड्थ पे ढकेले, सो दैट वी हैव सेक्शंस ऑफ इक्वल थिकनेस हर बार। तो वो भी सेट कर दिया जाता है कि कितनी दूरी पर वो धकेलेगा कि सेक्शन कट होगा, फिर ये वापस जाएगा फिर उसको धकेलेगा फिर सेक्शन कट होगा। इस तरह से ये एक मशीन की तरह काम करता है, ठीक है। बहुत तरह के माइक्रोटोम्स होते हैं, देखिए रॉकिंग रोटरी, सबसे जो वाइडली यूज है वो रॉकिंग रोटरी ही होते हैं, बाकी अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए स्पेसिफिक माइक्रोटोम्स हो सकते हैं, बट जो वाइडली यूज्ड हैं वो रोटरी माइक्रोटोम्स जो लैब्स में पाए जाते हैं। आपने अगर अपने लैब में देखा भी होगा तो हाथ से घुमाने वाला एक ऐसा माइक्रोटोम होता है जिसको हाथ की मदद से आप ऐसे गोल गोल घुमाते हो।
ये भी एक कॉमनली यूज है, हालांकि हमारे यहाँ लैब्स में ये कम पाया जाता है, इसे रॉकिंग माइक्रोटोन बोलते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि दो क्रॉस आर्म्स है, ये इसमें नाइफ फिक्स्ड होता है और जो ब्लॉक कैरी किया हुआ जो ब्लॉक जिसके ऊपर माउंटेड होता है वो बार बार आकर के और एक यूनिफॉर्म विड्थ पे आकर रुक जाता है, फिर ये नाइफ उसको कट करता है, ये फिर पीछे जाता है, फिर उसके ब्लॉक को लेकर आगे आता है, फिर नाइफ उसको कट करता है, नाइफ फिक्स्ड है, ब्लॉक मूव करता है, ठीक है। और ये जो मूवमेंट है ब्लॉक का, ये हम सेट कर सकते हैं कि हमको कितने एमएम का या कितने माइक्रोमीटर का, जो भी हमारा वो है सेट करने के लिए हमको कितना किस विड्थ की सेक्शंस चाहिए वो हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। दूसरा जो है रोटरी, ये आपने अपने अपने लैब्स में अक्सर ये देखा होगा, यहाँ पर 2 to 3 mm के सेक्शंस सबसे सूटेबल सेक्शंस हैं, सबसे आइडियल सेक्शंस हैं, जिनको हम इजीली हैंडल, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिन सेक्शन होने से हैंडलिंग उतना मुश्किल हो जाता है, माउंटिंग उतना मुश्किल हो जाता है, स्टेनिंग माउंटिंग सब डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये 2 to 3 mm के जो सेक्शंस हैं आइडियल सेक्शंस होते हैं, जिनको हम इजीली सीरीज के थ्रू पास करके डिहाइड्रेट करके और परमानेंट स्लाइड्स भी बना सकते हैं। यहाँ पर जो नाइफ है वो बहुत बड़ा रहता है, हेवी रहता है और इसके बड़े होने के कारण वाइब्रेशंस कम होते हैं, जितने कम वाइब्रेशंस होंगे उतना पैराफिन बैग्स जो जिसको हम मोल्ड के रूप में यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने टिश्यू को इंसर्ट किया है, उसका वियर एंड टियर कम होता है, जितने वाइब्रेशन ज़्यादा होंगे वैक्स का वियर एंड टियर ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास इस डिवाइस में नाइफ का कटिंग एंगल एडजस्ट करने तक की भी प्रिसिशन रहती है, हम प्रिसाइसली कटिंग एज भी कटिंग एंगल भी हम एडजस्ट कर सकते हैं और सभी तरह के टिश्यूज के लिए इट इज़ एन आइडियल वे ऑफ कटिंग। इसमें भी तीन तरह के होते हैं, मैनुअल, सेमी ऑटोमेटेड, फुली ऑटोमेटेड। ये देखिए ये एक रोटरी माइक्रोटोम का के पार्ट्स हैं, ये तो बेस है जिसे हम माइक्रोटोम बॉडी कहते हैं, ये माइक्रोटोम बॉडी जो है हैज़ टू बी वेरी हैवी बिकॉज द मोर इट इज़ हैवियर द माइक्रोटोम विल बी मोर स्टेबल ना वाइब्रेशंस, और नाइफ भी हैवियर होगा तो भी वाइब्रेशंस कम होंगे। ये देखिए ये यहाँ पर एरो से आप देख सकते हो एक नाइफ है जिसको होल्डर की मदद से, ये रेड और ये ब्लैक कलर के उसके होल्डर्स हैं जिनकी मदद से इनको हम क्लैंप कर सकते हैं क्योंकि ये फिक्स्ड है, ये क्लैंप हो जाता है। फिर ये ब्लॉक होल्डर है ऊपर की तरफ जो मूव करता है, ये राइट साइड में जो हैंडल है इसको आप अगर घुमाते हो तो ये जो है ब्लॉक होल्डर ये आगे पीछे मूव करता है, हर बार इसका जो मूवमेंट है वो फिक्स्ड विड्थ पे होता है जिससे कि इक्वल सेक्शंस हमको मिलते हैं। मैनुअल ये देखिए हाथ से जैसे हम सिलाई मशीन चलाते हैं उस तरह से हम इसको चलाते हैं, या जो चारा कटर है उसको हम चलाते रहते हैं वैसे ही इसको भी चलाते रहेंगे। नीचे आपको ब्लेड दिखाई, यहाँ पर जो नीचे है यहाँ ब्लेड आप कई बार फिक्स्ड भी होता है या कई बार ये रिमूवेबल भी होता है, तो आप अपने एक ब्लेड यूज हो जाने के बाद में उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। ऊपर जो ये आपको एक स्क्रू जैसा दिख रहा है ये पैराफिन वैक्स को फिक्स करने के लिए होता है, यहाँ पर एक आपको एक ग्रूव जैसा एक खांचे जैसा दिख रहा है जहाँ पर आप पैराफिन वैक्स को इंसर्ट करते हो और ऊपर जो घुमाने वाला है उसको जब आप घुमाते हो तो वो फिक्स हो जाता है, टाइट हो जाता है, क्योंकि जब तक वो टाइटली बाउंड नहीं होगा जैसे ही नाइफ उसको काटने की कोशिश करेगा वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, उछल जाएगा या खराब हो जाएगा, तो उसको टाइटली बाउंड करने के लिए ये दिया गया है। दिस इज कॉल्ड अ मैनुअल रोटरी माइक्रोटोम। दिस इज सेमी ऑटोमेटेड, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एडवांस तो नहीं लेकिन हाँ एक छोटी मोटी मोटर लगी होती है और दूसरा तरफ वो हैंड वाला भी है कि मोटर से ना चलाना चाहे आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप उतने प्रिसिशन से उसको नहीं काट पा रहे हैं तो आप हाथ से भी अपने हिसाब से धीरे धीरे उसको काट सकते हैं। फुली ऑटोमेटेड रोटरी माइक्रोटोम का तब फायदा है जब आपका बहुत एक्सपर्टाइज आ गया उसके अंदर, आप बहुत ज़्यादा आपने उसको सीख लिया है, आपको पता है कितने समय में कहाँ क्या एडजस्ट करना है, तब आप फुली ऑटोमेटेड रोटरी माइक्रोटोम को यूज़ कर सकते हैं। इसमें दोनों
प्रकार के जो व्हील्स हैं फाइनर कोर्स, वो दोनों के दोनों मोटर ड्रिवन होते हैं। दूसरा जो है, तीसरा जो है वो है रोटरी रॉकिंग, इसको मिनट माइक्रोटोम भी कहते हैं। ये रोटरी से ज्यादा रोबस्ट है। रोटरी हम बोल रहे थे हैवी बॉडी है, हैवी नाइफ है, ये उससे ज्यादा एक एडवांस्ड है। यहाँ पर जो टिश्यू ब्लॉक है उसको, क्योंकि ये बहुत रोबस्ट है तो ये एक ही बार में स्लाइस कर देता है। नो वाइब्रेशंस, नो वियर एंड टियर, और पूरा का पूरा एक टिश्यू एक फ्लैट फेस के रूप में हमको दिखाई दे जाता है। और इसमें एक रिट्रैक्टिंग मैकेनिज्म भी पाया जाता है, जैसा कि रॉकिंग में था, ठीक है। वो रिट्रैक्टिंग मैकेनिज्म जो है वो टिश्यू ब्लॉक को लेके जाता है, जैसे ही नाइफ जो है वो अपवर्ड स्ट्रोक मारने की कोशिश करता है, नाइफ का जैसे अपवर्ड स्ट्रोक नीचे जाता है तब तक वो है, जैसे ही वो ऊपर जाता है ये पीछे चला जाता है, फिर वापस आएगा और फिर से नाइफ नीचे आएगा तब ये आगे आएगा। तो इस तरह से ये दोनों जो है ये एक यूनिसन में या एक रिदम में ये एक वर्क करते हैं, इसलिए इसको रोटरी रॉकिंग माइक्रोटोम कहा जाता है। यहाँ पर ये ब्लॉक ही मूव करता है, नाइफ स्टेशनरी है रोटरी के समान, और जो हैंड व्हील है वो उसका भी रोटरी एक्शन है वर्टिकल प्लेन में। दिस इज अ रोटरी रॉकिंग माइक्रोटोम। यहाँ पर एक सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट है नाइफ का प्लस जो होल्डर है उसका। बेस स्लेज माइक्रोटोम, ये जो है इनको बहुत हाई टिश्यू, हार्ड टिश्यूज या बड़ी बड़ी रॉक्स ब्लॉक्स इनके लिए यूज किया जाता था। यहाँ पर जो ब्लॉक होल्डर है उसको एक स्टील कैरेज के ऊपर माउंट कर देते हैं, और जो मूवमेंट है वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड होता है ऑन अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल नाइफ। नाइफ फिक्स्ड है, बैकवर्ड फॉरवर्ड हो रहा है, और खूब बड़ा सा ब्लॉक होल्डर है। बड़ा इसलिए है क्योंकि हार्ड टिश्यूज को हमको सेक्शन करना है। हैवी है, स्टेबल है, नाइफ का एंगल एडजस्टेबल है जैसा रोटरी में था, और जो नाइफ होल्डिंग क्लैम्स हैं वो भी एडजस्टेबल है यहाँ पे। सो एंगल ऑफ नाइफ जो है उसको हम इजीली सेट कर सकते हैं। ये है एक बेस स्लेज माइक्रोटोम का डायग्राम। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट है, नाइफ के एंगल का एडजस्टमेंट है, बैकवर्ड फॉरवर्ड मूवमेंट का एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट इज स्लाइडिंग। ये जल्दी जल्दी से इसको बता देती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज में आने वाले नहीं है। रोटरी और रॉकिंग ही ज़्यादा यूज में आते हैं। यहाँ पर भी ब्लेड स्टेशनरी है, और जो स्पेसिमेन है वो उसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर स्लाइड के रूप में रखा जाता है, ठीक है। फिर वाइब्रेटिंग, ये फ्रेश अगर हमको सेक्शंस काटने हैं अनफिक्स्ड टिश्यू में हम इसको यूज करते हैं, और ये एक सेफ्टी रेजर के समान जो है वो कट करता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए अगर हमें स्लाइड प्रिपरेशन करना है तो हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं, बिकॉज ये 10 नैनोमीटर थिन सेक्शंस भी काट लेता है। इसमें जनरली जो नाइव्स होते हैं वो बहुत ही हाई क्वालिटी, सबसे अच्छे नाइव्स जो हैं वो डायमंड है ना, डायमंड नाइव से अगर हम, डायमंड ब्लेड से अगर हम सेक्शंस काटते हैं तो वो बेस्ट क्वालिटी सेक्शंस होते हैं। और अल्ट्रा माइक्रोटोम में हम जनरली डायमंड नाइव्स ही यूज़ करते हैं, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बहुत ज़्यादा प्रिसाइज टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी है, तो वहाँ पर बहुत मैटर करता है। अगर एक सेल, एक जो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल भी अगर डिसफिगर्ड हो जाता है और उसके कारण पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमें डिसफिगर्ड दिखता है, तो वो हम इजिली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो नाइफ है वो बिल्कुल इतना ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए कटिंग में कि एक भी मॉलिक्यूल डिसफिगर ना हो सके। डायमंड इज द बेस्ट टाइप ऑफ नाइफ। यहाँ पर जो ब्लॉक है वो नाइफ की एज पर आता है, और ये एक माइक्रोस्कोपिकल कंट्रोल में रहता है ना, इसको भी हम कंट्रोल्ड कंडीशंस में ही डायमंड को हम यूज कर रहे हैं। और ईच सेक्शन देन इज फ्लोटेड ऑन टू अ वाटर बाथ, जिससे कि जो भी पैराफिन है वो निकल सके। ये एक हाईली ऑटोमेटेड काइंड ऑफ माइक्रोटोम है जो कि फुल्ली मैकेनाइज्ड, फुली मोटराइज्ड है और पूरा ऑटोमेटेड है। फ्रीजिंग, अब कोई ऐसी टिश्यूज आपको चाहिए जो कि आपको जो बिना थॉ किए ना, फ्रीज तो कर दिए और थॉ भी ना हो,
जनरली अगर हम फ्रीज भी करते हैं तो भी हम उसको थॉ करना, मतलब उसको एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लेके आना, चाहे उसको वाटर बाथ में या उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे टाइम के साथ आने दिया जाए या पानी में भिगो के उसको आने दिया जाए, तो उसके जितने भी अंदर के फ्रोजन टिश्यूज हैं, फ्रोजन जो भी पानी उसके अंदर था जो फ्रीज हो गया था, वो पूरा का पूरा जब तक निकल नहीं जाता तब तक हम उसको वेट करते हैं। बट यहाँ पे जो फ्रीजिंग माइक्रोटोम है, इसके लिए हम इसको हम जो टिश्यू है उसको फ्रीज करके भी यूज कर सकते हैं। और फ्रीजिंग के लिए जो हम लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड या लो टेम्परेचर रिसर्कुलेटिंग कूलेंट को यूज करते हैं, जिससे हम टिश्यूज को तुरंत फ्रीज करके और फ्रोजन कंडीशन में ही उसको काट सकते हैं। ये है फ्रीजिंग माइक्रोटोम। फिर है सॉ माइक्रोटोम। ये बहुत ज्यादा हार्ड मटेरियल जैसे कैल्सिफाइड बोन्स हैं या ग्लास है या सिरेमिक्स है, इनको अगर हमें कट करना है तब हम इनको यूज करते हैं। और यहाँ पे हम बहुत यहाँ पर भी हम डायमंड नाइफ को ही यूज करते हैं और 600 RPM पे उसको रोटेट करते हैं सॉ को, और उसके बाद में सेक्शंस जो है वो हमको 20 माइक्रोमीटर या बड़े बड़े सेक्शन काटने के लिए हम जनरली सॉ माइक्रोटोम को यूज करते हैं। फिर ये है क्रायोस्टैट माइक्रोटोम, इसको क्रायोटोम भी बोलते हैं। इसमें भी हम फ्रोजन जैसे हमने फ्रीजिंग माइक्रोटोम में किया था, यहाँ पर भी हम फ्रीजिंग सेक्शंस को फ्रोजन सेक्शंस को काट सकते हैं। बट यहाँ ये पूरी तरह ऑटोमेटेड है, यहाँ पर जितने भी कंट्रोल्स हैं वो सब बाहर हैं, बाहर से ऑपरेट किया जाता है इसको। जैसे वो तो एक नॉर्मल काइंड ऑफ माइक्रोटोम था, आप नाइफ और उसका एडजस्टमेंट करके और उससे सेक्शंस ले सकते हैं। बट यहाँ पे ये जो क्रायोस्टेट माइक्रोटोम है, ये पूरा का पूरा एक रेफ्रिजरेटेड कैबिनेट है जिसके सारे कंट्रोल्स जो है वो बाहर है, अंदर सिर्फ माइक्रोटोम है। आप बाहर से उसको ऑपरेट करते हो, अंदर फ्रोजन कंडीशंस में जो भी टिश्यूज हैं वो इजीली कट किए जा सकते हैं। ये लेजर माइक्रोटोम जो है कॉन्टैक्ट फ्री माइक्रोटोम है, जहाँ पर किसी आपको ना सैंपल लोड करना है ना सैंपल को निकालने की कोशिश करना है, वो सब ऑटोमेटेड है। और ये भी बहुत हार्ड मटेरियल्स के लिए यूज किया जाता है। तो ये तो है अलग अलग तरह के माइक्रोटोम्स। माइक्रोटोम नाइव्स जो हैं वो अलग अलग प्रकार की हो सकते हैं। जनरली वेज शेप नाइव्स हम यूज करते हैं। वेज शेप, ये जो इस तरह की शेप है जो वी शेप का नीचे का नाइफ दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड अ वेज शेप। जनरली स्टील नाइव्स ही यूज करते हैं, बट अगर बहुत हार्ड मटेरियल है तो ग्लास, डायमंड, सैफायर्स, और बहुत प्रिसिशन अगर चाहिए तो डायमंड नाइव्स का यूज किया जाता है। अब बात हो रही थी ब्लॉक की, बिना ब्लॉक के हम स्पेसिमेन को इसके ऊपर लोड कैसे करेंगे। ब्लॉक को प्रिपेयर करने के लिए हमको एक ऐसा मीडियम चाहिए जो कि एक जो फ्लूड भी हो एक स्टेज में और सॉलिडिफाई भी हो जाए जब हम उसको सॉलिडिफाई करने की कोशिश करें या उसको ठंडा करें या उसको हम एयर से एक्सपोज करें, किसी भी रीजन से वो सॉलिडिफाई भी हो जाए और किसी एक स्टेज में वो लिक्विड भी रहे, तभी हम उसको यूज कर सकते हैं। अब जो मीडियम है, एक्सक्यूज मी, मीडियम जो है वो बहुत हार्ड, खुद ही से बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए, इजिली कट हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो बहुत हार्ड होगा और अंदर का मटेरियल सॉफ्ट होगा तो अंदर का मटेरियल जो है वो हम काट नहीं पाएंगे, तो वो भी इजिली कट हो जाना चाहिए। दूसरा कि उसके अंदर वो इंटरैक्ट करना चाहिए उस पर्टिकुलर जो भी हमने लिया है सब्सटेंस, और उसके अंदर वो फिल हो जाना चाहिए पूरा, उसके कॉर्नर्स में, उसकी कैविटीज में, जहाँ भी जगह मिले वो पूरा का पूरा जो मीडियम है वो उसके अंदर फिल हो जाना चाहिए। तो इस तरह से किसी भी सब्सटेंस को, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को कट करने से पहले हम जिस मीडियम में उसको डुबो के रख देते हैं, सो दैट वो मीडियम जो है वो धीरे 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 उसके क्रेवाइसेस में, उसके जो भी इंटरस्टिसेस में, कॉर्नर्स में, कैविटीज में, वो अच्छे से फिल हो जाता है। इस प्रोसेस को इनफिल्ट्रेशन या इम्प्रेगनेशन कहते हैं, ठीक है, जब वो पूरे की पूरे अंदर तक पूरा अंदर भर जाए उसके अंदर, फिर उसको ठंडा होने देते हैं कि वो अंदर जो भरा है वो सारा का सारा अब ठंडा होकर के जम जाए, ठीक है।
इसके लिए पैराफिन वैक्स लिया जाता है, पैराफिन वैक्स को पहले उसको मेल्ट किया जाता है, और जो भी टिश्यू हमें कट करना है, जो भी ऑर्गन हमें कट करना है, उस ऑर्गन को उसके अंदर डिप करके थोड़ी देर छोड़ देते हैं, सो दैट पैराफिन वैक्स जो है वो सारी जगह फिल हो जाए, जो जो भी खाली जगह उसको नजर आएगी, और फिर ठंडा होने देते हैं, तो वो वैक्स जो है वो जम जाती है। ये प्रोसेस कहलाता है इनफिल्ट्रेशन या इम्प्रेगनेशन। अब इनफिल्ट्रेशन के बाद में उसको एक जो छोटे छोटे क्यूब्स बना लेते हैं इसके हम, ठीक है, इसको जो सपोर्टिंग मीडियम है इसको हम एम्बेडिंग मटेरियल। अब ये जो टिश्यू इसके अंदर एम्बेडेड हो गया है, अंदर की तरफ ही उसके प्लेस हो गया है, इसी को अब हम ब्लॉक का नाम देते हैं, ठीक है। ब्लॉक के लिए हमें वाटर बाथ चाहिए ना, क्योंकि हमें गर्म करना है, मेल्ट करना है, तो अवन या हॉट प्लेट चाहिए, फिर हमें फोर्सेप्स चाहिए, सेक्शन जो भी ऑर्गन है उसको उसके अंदर प्लेस करना है, सेक्शन कट जाने के बाद में हमें ब्रश चाहिए, जिसको हम स्क्विरल हेयर ब्रश बोलते हैं, जिसकी मदद से हम उस सेक्शन को उठा सके, फिर हमें ठंडा करने के लिए आइस ट्रे चाहिए, टीजिंग नीडल चाहिए, तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इम्प्रेगनेशन से हम एक पैराफिन मोल्ड बनाएंगे जिसके अंदर हमने वैक्स डाल दी। जनरली जो कंपनी से प्रोवाइडेड होते हैं वो एल शेप्ड, दो हमको ऐसे एल शेप्ड स्ट्रक्चर्स मिलते हैं ब्रास के बने हुए, उन एल शेप्ड स्ट्रक्चर्स को हम इस तरह से अरेंज करते हैं कि वो एक स्क्वायर का शेप ले लेता है। अब जब हमने टिश्यू स्क्वायर के बीच में रखा और वैक्स को हमने मेल्ट करके उसके अंदर डाल दिया, एंड देन वी अलाउ इट टू कूल डाउन ऑन इट्स ओन, तो धीरे धीरे वो इनफिल्टर भी हो जाता है और फिर कूल डाउन करके वो एम्बेडेड टिश्यू जो है वो तैयार हो जाता है, इसको हम ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम जो ब्लॉक बना है उसको हम एक हॉट नाइफ की मदद से पहले इसकी एजेस जो है वो पैरेलल कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं इसको, ठीक है, फिर हम इसको हम उसके ऊपर लोड कर देते हैं, जो कि जो होल्डर है उस पर हम लोड कर देते हैं। नाइफ जो है उसकी हम पोजिशन प्रॉपरली कहाँ पर उसका पॉइंट रखना है, किस एंगल पे उसको सेट करना है अगर वो एडजस्टेबल है तो, और कितना हमको उसका विड्थ रखनी है ना, कितनी मोटाई होनी चाहिए स्लाइस की, वो सब हम फिक्स कर देते हैं। और इसके बाद में हम उसके जो रोटर है उसकी मदद से, वो जो गोल घुमाने वाला है, अगर ऑटोमेटेड है तो हम मोटर ऑन कर देते हैं, अगर वो मैनुअल है तो हम उसकी मदद से जिस तरह से चारा काटते हैं उस तरह से वो धीरे धीरे वो अपने आप आगे आता है, कट होता है, फिर वो पीछे जाता है, फिर वो आगे आता है, और पीछे जाने के बाद वो जो भी ब्लॉक है उसको उतनी ही आगे लेके, उतना ही आगे लेके जाता है जितना कि उसका स्केल एडजस्टेड है ना। अगर हमने 2 नैनोमीटर पे उसको एडजस्ट किया है तो वो 2 नैनोमीटर ही आगे बढ़ाएगा, पीछे जाकर के ब्लॉक को 2 नैनोमीटर आगे आगे बढ़ाएगा और ब्लेड के पास आ जाएगा। अब ब्लेड उसको कट करेगा, कट होने के बाद में ये फिर पीछे जाएगा, फिर उसको 2 नैनोमीटर आगे बढ़ा करके फिर अपनी जगह पर आ जाएगा, फिर ब्लेड उसको कट करेगा। तो ये जो सिंक्रोनाइज्ड एक वे ऑफ कटिंग है ये चलता रहता है, और इस तरह से जो हमें पूरा एक रिबन शेप्ड स्ट्रक्चर मिलता है ना, उनको सीरियल सेक्शंस या रिबन बोलते हैं, उस रिबन में आसपास वैक्स होगी और बीच में हमको जो टिश्यू है उसका पोर्शन दिखाई देगा, उसका स्लाइस दिखाई देगा। इसको अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम वाटर बाथ में डाल देंगे कि पैराफिन वैक्स जो है वो मेल्ट होकर के निकल जाएगा, और फोर्सेप्स की मदद से या हेयर ब्रश की मदद से अब हम इसको लेंगे और फिर उसके बाद इसको हम जो भी रिंकल्स हैं वो भी रिमूव कर देंगे, और इसको जो भी हमें सीरीज के थ्रू पास करना है, स्टेन करना है, माउंट करना है, वो इजिली हम इसके ऊपर कर सकते हैं। इसका एक वीडियो है, अगर आप लोग में पेशेंस हैं तो मैं ये वीडियो आप लोग को दिखाना चाहूँगी। इसको देख करके आपको, लेट मी सी इफ इट इज वर्किंग, तो इस वीडियो, अगर ये वीडियो चलता है तो आपको माइक्रोटोन का जो वर्किंग मैकेनिज्म है वो समझ में आ जाएगा। देखते हैं ये चल रहा है कि नहीं। माइक्रोटोम आपको समझ में आया, सिंपल टाइप ऑफ, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी प्लेड हियर।
जस्ट अ मोमेंट, शायद प्ले करेगा ये। यस आप लोग वीडियो देख सक रहे हैं यहाँ पे? यस मैम, दिखाई दे रहा है जी मैम। इस तरह से ब्लॉक को अप एंड डाउन करके दे रहा है बेटा, बच्चों दिखाई दे रहा है? यस मैम। यस मैम। ओके। यस मैम। एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? नो मैम। पिन होल के बारे में बताइए। पिन होल के बारे में? यस मैम। होल एक तरह ऐसा करियर जिसमें पिन होल होल के संबंध में जो अलाउ करेगा सिर्फ एक बीम ऑफ लाइट इसमें से पास करना, ठीक है? तो जितनी भी आउट ऑफ फोकस लाइट थी वो सब इस पर्दे ने रोक ली और सिर्फ एक पतली सी बीम जो है वो इस पिन होल में से निकल के जाएगी और वो जा करके पहले उस स्पेसिमेन को स्ट्राइक करेगी, फिर स्पेसिमेन से जो रिफ्लेक्टेड रेज आएंगी वो डिटेक्टर के पास एक और पिन होल है कि अब जो फिर से आउट ऑफ फोकस हो गई हैं उनको भी हटा करके और सिर्फ एक जो स्पेसिमेन से आ रही थी लाइट उसको डिटेक्टर पर डिटेक्ट करने के लिए भेजेगा। तो इस तरह से दो पिन होल्स होने से जो डिटेक्टर पर हमें जो इमेज मिलती है वो बहुत स्पेसिफिक मिलती है। जितना भी बैकग्राउंड नॉइज मतलब जो जितना भी अनवांटेड, मैं अगर माइटोकॉन्ड्रिया का एक क्रिस्टी देखना चाह रही हूँ तो मुझे वही क्रिस्टी दिखना चाहिए, मुझे दुनिया भर का साइटोप्लाज्म और उसमें सारे ऑर्गेनल्स और ये सब दिखाई नहीं देने चाहिए मैं चाह रही हूँ। तो ये तरीके से मैं सिर्फ लेजर को वहाँ फोकस करूँगी और सिर्फ फोकस लाइट ही जब डिटेक्टर पर दिखाई देगी तो मुझे बाकी सब चीजें दिखाई, अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखी वैसा सिर्फ चिड़िया की आंख ही दिखेगी उसको, ठीक है? यस मैम। मैम 3D इमेज के बारे में बताइए ना थोड़ा सा। 3D इमेज बेटा ये तो जैसे इमेजेस होती हैं, अगर सिर्फ एक्स और वाई प्लेन पे है तो उसको हम 2D इमेज बोलते हैं, टू डायमेंशनल इमेज।
जो हमें ये पूरा दिखाई देता है जहाँ लेंथ ब्रेथ हाइट है वो कहलाती है 3D, थ्री डायमेंशनल इमेज। ठीक है, थ्री डायमेंशनल इमेज जो है उस जैसे 2D इमेज में आपने इमेज देखी आपको लेंथ और ब्रेथ तो समझ में आई, लेकिन अगर दो इमेजेस आप देख रहे हो तो उसमें से आप ये नहीं समझ पाओगे कौन सी आगे कौन सी पीछे है ना। लेंथ ब्रेथ में आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये दोनों जो है ये लेंथ ब्रेथ में ऑलमोस्ट सिमिलर है। 3D में हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी आगे है और कौन सी पीछे है। ठीक है, हाइट भी उसका एक और जो कोऑर्डिनेट होता है वो है हाइट, जिसकी मदद से हम जो इमेज है उसमें न सिर्फ हाइट लेंथ और ब्रेथ में देख पाते हैं बल्कि आगे पीछे कितना है ऊपर नीचे कैसा है वो सारा। जैसे अब हम आप देखते हो बाहर देखते हो तो आपको कैसा दिखाई देता है, आपको ऐसा दिखाई देता है कि ये जो वॉल है इसके पीछे ये है पेड़ है, पेड़ के पीछे गाड़ी खड़ी है, ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वॉल है उसके पीछे गाड़ी खड़ी है, उसके पीछे पेड़ है उसके पीछे गाड़ी खड़ी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अगर टू डायमेंशनल होगा तो आपको ये दिखाई देगा, आप ड्रॉइंग बनाते हो, आप ड्रॉइंग में एक ही शीट के ऊपर पेड़ बनाते हो उसके पास में एक घर बनाते हो उसके पास में एक गाड़ी, तो वो एक ही शीट पे आप बना रहे हो ना, वो टू डायमेंशनल हो गया है ना। अब अगर आप किसी तरह से ये बना सकते हैं, आप जब मॉडल बनाओगे तो वो थ्री डायमेंशनल होगा, जहाँ आप एक घर रखोगे यहाँ पे आप पेड़ बनाओगे यहाँ पे आप गाड़ी, तो आप कैसे कर रहे हो, आप उसको डिस्टिंग्विश कर दे रहे हो ना, कोऑर्डिनेट्स डिस्टिंग्विश हो रहे हैं उसके अंदर ज्यादा, तो वो एक थ्री डायमेंशनल इमेज है। तो कौन सी इमेज ज्यादा अच्छी होगी, टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल? मैम थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल इमेज ज्यादा अच्छी होगी, टू डायमेंशनल जो हमको शीट पे हमने ड्राइंग बनाई और थ्री डायमेंशनल जो मॉडल हमने देखा वो थ्री डायमेंशनल है, तो कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी में हमको थ्री डायमेंशनल इमेज दिखाई देती है। ठीक है, तो लाइव कैसा होगा, कैसा किस सेल है, एक सेल है उसका टू डायमेंशनल देखोगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, आपको एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऊपर सारे सेल वॉल अंदर इधर ही क्लोरोप्लास्ट है इधर ही न्यूक्लियस है इधर ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इधर ही गॉल्जी बॉडीज है। लेकिन अगर आप थ्री डायमेंशनल देखोगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, एक कमरे जैसा दिखाई देगा जिसमें यहाँ न्यूक्लियस होगा यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होगा यहाँ क्लोरोप्लास्ट होगा। तो थ्री डायमेंशनल हमको जैसा है वैसा दिखाई देगा, टू डायमेंशनल जैसा हम ड्रॉ कर रहे हैं वैसा दिखाई देगा, तो थ्री डायमेंशनल एक बेटर व्यू है एज कम्पेयर टू टू डायमेंशनल। यस मैम, थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी मैम। Yes. मैम मेरे को ना मिरर के बारे में थोड़ा सा बताइए, मतलब उसमें दो मिरर होते हैं कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप में, मैम उसके बारे में थोड़ा सा। देखो पहले तो मिरर डाइक्रोइक मिरर क्या होता है वो समझ लो, बेसिक कॉन्सेप्ट है डाइक्रोइक मिरर। डाइक्रोइक उसको डाइक्रोमैटिक भी बोलते हैं, जिसमें ये दो तरह की वेवलेंथ को अलाउ कर रहा है अपने ऊपर, मतलब रिएक्ट कर रहा है दो तरह की वेवलेंथ से, एक को पास करने दे रहा अपने थ्रू मतलब आया और मिरर के थ्रू वो पास हो गया, दूसरे को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, तो एक वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है और दूसरे वेवलेंथ को पास कर दे रहा है। तो आपने देखा उस फिगर में कि जब एक बीम स्पेसिमेन से आती है, एक बीम लेजर से आती है उसको स्पेसिमेन की तरफ रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, स्पेसिमेन जो है वो फ्लोरेस कर रहा है उससे दूसरी वेवलेंथ जनरेट हो रही है और उस जनरेटेड वेवलेंथ को वो पास करने दे रहा है सो दैट वो डिटेक्टर पे चला जाए। ये तो एक प्लेन पे, अगर हम सिर्फ एक्स प्लेन की बात कर रहे हैं ना, जिससे हमको टू डायमेंशनल इमेज दिखेगी, अगर हम एक मिरर यूज कर रहे हैं तो इससे हमको टू डायमेंशनल इमेज ही दिखेगी। लेकिन अगर हम इस तरह के दो मिरर्स को यूज करें, एक ऐसा घूमे एक ऐसे प्लेन पे पिक्चर ले और एक ऐसे ले, ठीक है, एक एक्स एक्सिस पे ले और दूसरी वाई एक्सिस पे ले, तो इससे मिलने वाली जो अल्टीमेट इमेज रहेगी डिटेक्टर पर वो एक थ्री डायमेंशनल इमेज होगी। ये दोनों डाइक्रोइक मिरर्स रहेंगे, मिरर हैज टू बी अ डाइक्रोइक वन। अब वो एक लेते हैं तो टू डायमेंशनल इमेज होती है, दो लेते हैं एक ही बार में, एक एक्स एक्सिस पे रन करता है horizontally और एक y axis पे run करता है vertically, these two will create a cumulative effect that will be in the form of a 3D image, three dimensional image.
कई बार जेड कोऑर्डिनेट भी यूज कर लेता है वो ना, उसमें 4D इमेज भी होती है, बट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट व्हाट काइंड ऑफ अ इमेज 4D, क्योंकि मैंने जो अभी तक स्टडी किया है उसमें 3D इमेजेस आर द बेस्ट. ठीक है, तो मिरर जो है वो डाइक्रोइक होना है, जो दो वेवलेंथ को के साथ में रिएक्ट करता है, एक को पास करने देता है, दूसरे को रिफ्लेक्ट करता है, और ऐसे दो मिरर्स भी यूज किए जा सकते हैं. क्लियर है दोनों चीज? यस मैम, थैंक यू मैम. वेलकम. और किसी को क्वेश्चन करना है? एनीवन? चलिए, थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही कम समय में इतने अच्छे टारगेट वर्डों का यूज करते हुए, बहुत ही अच्छे टॉपिक्स का चूज करते हुए बच्चों को सरल शब्दों में समझाया, और ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों को ये बहुत ही यूजेबल होगा आपने जो समझाया. इसके लिए थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना समय निकाला. और कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में मैं डॉक्टर चेतना गुप्ता मैम को मैं आमंत्रित करूंगा कि वे आभार प्रदर्शन करें. गुप्ता मैम. Thank you so much, ma'am. I may like to express my sincere thanks to Dr. Meenakshi Bharadwaj, madam, to giving an excellent coverage to these two topics, microtomy and confocal microscopy. And I'm hoping all the participants will this topic is very beneficial for all of us. And thank you so much, ma'am, to giving our request to deliver lectures, and our schedule is disturbing time, but I mean, again, still you are agreed to deliver lectures, so thank you so much, ma'am. Thank you, Radha Chetna ma'am, for having invited me to be with you on this platform. I really am thankful, and I hope the things are better. We can have a physical contact. We can have a physical platform where we can share each other's knowledge and gain from each other. And ma'am, I have one more request. If you share your PPT for college repositories, so it will be very beneficial for our students. So just let me know your email, ma'am. Because yes, ma'am. I will WhatsApp my email ID to you. Yeah, if you definitely do that. Thank you, ma'am. And again, I'm very thankful to our principal, Dr. Suman Singh Baghel, ma'am, for her kind support and encouragement. And I'm also thankful to all the respected professors of this college and other colleges and all the participants for giving us your time and motivate us, encourage us to for the good work. Thank you so much, everyone. Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you. Next. So our second technical session is ending here, and we will meet again tomorrow for our third technical session. And in our third technical session, the speaker is Dr. Hemant Kumar Pathak from Banaras Hindu University, and his topic of lecture is fluorescent in situ hybridization and genomic in situ hybridization. Thank you so much, everyone. You can left now. Thank you, ma'am. 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 Thank you, ma'am.